जिले में नागाबाजी सरस्वती शिशु विषया मंत्र मठ में नागाबाजी वृद्ध आश्रम मिश्रण जन्म उत्सव के अवसर पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार की अपनी कला दिखाई है, नृत्य दिखाया है। इसके अवसर पर प्रधानाचार्य से बोले हैं कि ये कार्यक्रम और हुनर के लिए किया जाता है, बाकी किसी भी मंच पर बच्चे भटके ना, इसीलिए इस कार्यक्रम को जरूर किया गया है ताकि हमारे बच्चे सबसे आगे रहे, किसी भी कार्यक्रम में ना भटके। उमा सिंह सरस्वती बलिया ने विद्या मंदिर पंचार्य में बताया है कि इस तरह कार्यक्रम विद्यालय में होने चाहिए ताकि बच्चे आगे बढ़े, उनकी मानसिकता बढ़े और समाज में खड़े होकर किसी से लड़ सके। बताइए। मैं भारती सिंह, कुल छात्र परिषद की प्रांतीय सहमंत्री। कैसा कार्यक्रम था यहाँ पर, आपने जज के रूप में भूमिका निभाई थी? श्री कृष्ण का जो हमारे पुराने सदियों से चला आ रहा है और विद्या भारती संस्कारी आध्यात्मिक और अनुशासन लेकर सबको ये लेकर। रंग प्रताप सिंह प्रधानाचार्य नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर जी। कैसा कार्यक्रम था? त्रिगुआ कार्यक्रम, ये कार्यक्रम एक तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके अंदर तमाम अंतर्निहित प्रतिभाएं छिपी होती हैं और उनको मंच पर लाना और उनका सबके सामने उनका विकास करना हर प्रकार से। जी आज कैसा कार्यक्रम है, किस तरह का आपको लग रहा है, कैसा ये था यहाँ का? आज यहाँ नागाजी सरस्वती शिशु मंदिर में रूप सज्जा प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें राधा और कृष्ण के लिए हम एक प्रतियोगिता रखा, जिनको जी निर्णायक मंडल बन की और जो है जो प्रतिभाग किए उनको जी। आप जिस तरह का आई यहाँ कार्यक्रम हुआ, आपने इसमें भाग भी लिया, आप जज के रूप में अपने भूमिका निभाई, किस तरह का आपको लगा, कैसा यहाँ अनुभव हुई यहाँ पर? देखिए कुछ तो मतलब यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी थे और आधुनिक वर्ग के जो हमारे अभिभावक हैं, बच्चों को बहुत किसी ने पूरे तरीके से रूप सज्जा किया, जैसे पूरा एकदम लग ही रहा था कि कृष्ण भगवान, और कोई कोई अभिभावक ऐसा भी किए थे जैसे कि देखने से यह महसूस हो रहा था कि क्या उनको राधा और कृष्ण में कोई फर्क नहीं महसूस होता, कि किस तरीके से हम रूप सज्जा कर रहे हैं। तो जो प्रतिभागी यहाँ पे कोई स्थान प्राप्त किया है तो उनसे एक सीख मिलेगी कि हाँ, अब नेक्स्ट टाइम जब उनको प्रतिभाग कराएंगे तो उनको किस। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।